हाय फ्रेंड्स आप देख आदने फिल्में खिचड़ी मैं हूँ रूना आशीष और अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी क्यूट सी खबर देने वाली हूँ सीरियसली यू विल लव दिस इंफॉर्मेशन बेसिकली पवनदीप आप जानते हैं कि हिज टैलेंटेड सिंगर जाने कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं लोगों के दिलों पर छाए हैं और बहुत सारी बातें उनके घर पर भी संगीत uh, की देवी हैं उनका आशीर्वाद है उनके पिताजी और उनकी माँ यानी कि सुरेश राजन जी और उनकी वाइफ़ यानी कि माँ सरोज राजन जी इनका एक नया गाना आया है पहाड़ी गाना आया है और बहुत क्यूट है आई I मीन mean, uh, अब गुनगुनाने लग जाते हैं इतना अच्छा है वो गाना और उसकी डिटेल्स थोड़ी सी लेकर आई हूँ ऑलमोस्ट टू मिनट्स फोर्टी सेकेंड का ये गाना है और ये है झंगुरी बाजी छम इस नाम से uh, गाना बनाया गया है और uh, इसमें जो है ये एक छबेली नृत्य होता है जो कि पहाड़ों में ख़ास तौर पर से किया जाता है लड़के और लड़कियों के बीच में होता है लड़के आसपास घूम कर नाच रहे होते हैं और संगीत में उन्हें छेड़छाड़ का गीत कहा जाता है तो ऐसे में लड़का छेड़ता है और पूछता है मधुली जो कि लड़की का नाम है मधुली तेरी पाल क्यों बज रही है तो वहीं पर जो मधुली है यानी कि सुरेश राजन जी की जो आवाज़ के बाद जो सरोज जी की आवाज़ है वो आती है वो कहती है कि हुड़का जो कि एक वहीं का वाद्य यंत्र है थोड़ा सा डमरू जैसा दिखता है वो कहती हैं कि मेरी पायल इसलिए बज रही क्योंकि तुम्हारा हुड़का घम घम बज रहा है बहुत अच्छा सॉन्ग है आई <laughs> मीन I mean, uh, मुझे सीरियसली ये सॉन्ग सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में कितनी सारी परंपराएं हैं कितने सारे कल्चर हैं ये गाना आपको अचानक से अपने रूट्स से मिलाता हुआ लगता है तो फाइव uh, में से टेन नंबर दे रही हूँ इतना क्यूट सॉन्ग है ये इसको सुनिएगा ज़रूर आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा ये मैं शर्तियाँ कहती हूँ तो पवनदीप के पापा मम्मी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ बहुत अच्छा गाना है साथ ही फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि पवनदीप ने हरेला मनाया है हरेला जो फेस्टिवल होता है उत्तराखंड का स्पेशल फेस्टिवल होता है वो मनाया है सुबह उनकी दोनों सिस्टर्स ने उन्हें फ़ोन किया उन्हें हल्दी कुमकुम मतलब वर्चुअली हो रहा था मोबाइल पर ही हो रहा था वो असल में तो नहीं मिल पा रहे थे वो लगाया और होता क्या है ना हरेला एक ऐसा फेस्टिवल है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है और बेसिकली ये तीन बार मनाया जाता है यूँ तो कुछ नौ दिन पहले से मंदिर में जाया जाता है एक टोकरी ली जाती है मिट्टी डाली जाती है उसमें कुछ बीज बोए जाते हैं गेहूँ है या फिर जौ है ये सब बीज बोए जाते हैं और फिर नौ दिन बाद देखा जाता है कि अगर बहुत अच्छे से लहलहाने लगे हैं वो उसके अंकुरित हो गए हैं और साथ ही उसकी कोपलें फूट गई हैं और बहुत हरी सी घास आ गई है तो तो इस बार की जो उपज है वो बहुत अच्छी होने वाली है आई थिंक एक बार फिर से इट टेक्स यू बैक टू योर सॉइल द होल फेस्टिवल एंड जो आज मैं विजुअल्स देख रही थी वो अचानक से मुझे हमारे देश के कल्चर की तरफ वापस खींच कर लेकर जाता है कि हमारे देश का कल्चर कितना उन्नत है एक शिवजी और पार्वती जी के नाम पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है लेकिन यही फेस्टिवल अगर उत्तराखंड में है तो हरेला कहलाता है और यही फेस्टिवल श्रावण सोमवार के तौर पर देश भर की महिलाएँ इसे अपने पति अच्छे वर और घर वालों की सलामती के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए श्रावण सोमवार का उपवास रखती है आई थिंक ब्यूटिफुल मेरे पास और कोई शब्द नहीं है ऐसे में यही कह सकती हूँ कि ये जो गाना है वो और आज जो हरेला पवनदीप ने मनाया है वो देखकर बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स चलिए आप बताइए आपने गाना सुना तो उसका रिएक्शन दीजिए और आप हरेला इस फेस्टिवल को क्या पहले से जानते थे क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी आपके पास तो वो भी मुझे बताइए लिख कर बताइए जय हिंद